जी हाँ, आज का टॉपिक्स है अलजेब्रिक डिवीजन। अलजेब्रिक डिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं एक एग्जांपल्स को लेके। आप इसको देखेंगे और ये आपका हो जाएगा बहुत इजी वे में, मैं इसे सॉल्व करूँगा और जहाँ दिक्कतें आती है उसको मैं समझ रहा हूँ वहाँ मैं इसको इजी बनाने का प्रयास करूँगा। सब्सक्राइब करें और इसको पूर्ण रूप से देखें तब लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। x प्लस वन से x क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस सिक्स, इसमें हमें भाग देना है x प्लस वन से। अब हम देखते हैं यहाँ x क्यूब है, यहाँ x है, तो हम इसमें x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ x क्यूब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको x स्क्वायर से भाग देते हैं x स्क्वायर। अब देखिए इस x स्क्वायर को हम इससे गुणा करते हैं तो यहाँ ये हो जाएगा x क्यूब, ये प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस 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 वन गुना एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं यहाँ हम चिन्ह क्यों बदलते हैं, इसको देखना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ तीन से सात में भाग देते हैं तो तीन दुना छः, यहाँ माइनस करते हैं ना, यहाँ माइनस क्यों करते हैं, यहाँ जब छः है तो छः के पीछे प्लस है तो यहाँ हम माइनस किए। तो अब हम देखना ये है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स है, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो यहाँ देखें इस पूरे में एक्सप्रेशन में से इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ इसका चिन्ह बदलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। इसी कारण से इसका यहाँ जब इसको माइनस करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सिक्स एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये हो जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एलेवन एक्स प्लस सिक्स। अब हम देखते हैं यहाँ जो फाइव एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो हमें इस एक्स को प्लस फाइव एक्स स्क्वायर बनाना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फाइव एक्स से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हम प्लस फाइव एक्स से भाग देते हैं, यहाँ फाइव एक्स से इसको अगर हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फाइव एक्स स्क्वायर, ये प्लस 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 वन गुना फाइव एक्स हो जाएगा फाइव एक्स। अब ठीक इसी प्रकार से इसको हम भाग में घटाते हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन जब घटेगा तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, फाइव एक्स स्क्वायर में से फाइव एक्स स्क्वायर घट गया तो कैंसिल। अब एलेवन एक्स में से फाइव एक्स जाएगा तो यहाँ बच जाएगा सिक्स एक्स प्लस सिक्स। अब हम देखते हैं यहाँ x प्लस वन है, इस x को हमें सिक्स एक्स बनाना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस सिक्स से भाग देना पड़ेगा। तो अब प्लस सिक्स से हम यहाँ मेरा रिजल्ट होगा तो सिक्स से हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस वन को सिक्स से करेंगे सिक्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा ठीक उसी प्रकार से, ये हमारा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा, ये हमारा भागफल हो गया। अब हम देखते हैं इसका नियम, इसको हम देखिए ये फैक्टोराइज भी हो गया इतना बराबर, यहाँ देखें हमारा ये रिजल्ट है एक्स क्यूब प्लस
सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने एल्जेब्रिक डिविजन्स को सीखा, और जितने फार्मूला है उसको आप प्रैक्टिस में लाएं। ये प्रैक्टिस में लाने के लिए मैं कुछ दे रहा हूँ, जैसे इसको आप बनाएंगे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आप भाग देंगे ए माइनस बी से, दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भागा देंगे आप ए प्लस बी से, तीसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आप भागा देंगे ए प्लस बी से, और देखेंगे रिजल्ट क्या आता है, कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमसे सहायता ले सकते हैं, और इसमें कोई भी दिक्कत हो हम इसके लिए हमेशा तैयार हैं, तुरंत हम क्विकली रिप्लाई करेंगे। थैंक्स।